हनीट्राप्र आहरी गुमर खोल अर्चना स्वामी जगबंधु डायरी डायरी में कौन लेखा अच्छी से नहीं पुलिस किसी कही ननीट्राप्र अनेक गुमर यह डायरी मिलवा कहु अर्चना संपर्क में आउ किए किए अच्छा तार गुमर यह डायरी मिलवा कहु सहित पुलिस जगबंधु चारिटी मोबाइल फोन गोटे लैपटॉप को जबत कर जगबंधु विरोध में रुजु होता समस्त मामला को आधार कर पुलिस तदंत जारी रखी डीसीपी निजे खंडगिरी आईआईसी घटनार तदंत कर जगबंधु विरोध में होता टंका कारबार तदंत जारी रखी आरबीआई को मगा जा तथ्य आधार में पुलिस तदंत जारी रखी केते टंका कहा अकाउंट आसी क्यों आधार में टंका नेणदेण होने पुलिस तदंत जारी रखी दरकार पड़े जगबंधु को रिमांड में आनी पचराउचरा डीसीपी सेपटे जमीन आवेदन खारज होगापर जगबंधु को जेल पठा जा जगबंधु वकिल कहते तेबे तांकर स्वास्थ्यावस्था गुरुतर थिबारु से आधार रे जमीन प्रदान पाई आवेदन करा जाइछि बोली कहिछंती। जगबंधु चांद को खंडगिरी पुलिस अरेस्ट करिछि घरु तांको अरेस्ट करा जाइछि तांके ऊपर जिते भी ऑफेंस अर्चना नाग ऊपर लागिछि कॉन्स्पिरेसी और से अबेटमेंट मेनली तांकर ऊपर प्राइमा फेसी आमको एस्टाब्लीश हो यही एस्टाब्लीश हेला परे आज अरेस्ट करा जाए ची घरु अकाउंट्स रे स्टेटमेंट्स रे अच्छी आमे डिटेल एनालिसिस करूछु तार कनेक्टिंग अकाउंट्स जो अच्छंती जदि कोटु ट्रांजेक्शन है डिटेल रे आम तरफ स्टडी करा जाए ची दरकार पड़े आम निश्चित रिमांड ऑप्शन आम पाखे अच्छी आम यूज करिवो ऑन मेडिकल ग्राउंड आम अलाउ करने मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट कोर्ट को आम ये रिक्वेस्ट कर जमीन आवेदन खारज जोड़ा खंडगिरी केस रे अर्चना नायक फॉरवर्ड होते से आज जगबंधु चांद को रिमांड लगला जेहेतु तक ना नेम्ड एफआईआर थी तो आज से फॉरवर्ड है जुडिशियल रिमांड रे जुडिशियल कस्टडी को गले। राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति गोपालपुर रे प्रस्तावित टाटा प्रकल्प जमी को चाषी मान को फेराई दिया गोपालपुर कालीपल्ली अंचल रे टाटा प्रकल्प पाई 20 वर्ष तले प्राय 206 एकर जमी अधिग्रहण करथिले राज्य सरकार से जमी सबू इडको लैंड बैंक रे रखा जाइथिला जमी अधिग्रहण सत्वे चाषी माने से सबू जमी को कब्जा रे रखिथिले जहाँ को नहीं दीर्घ वर्ष धरी अशांति लागि रहिथिला तेणु राज्य कैबिनेट रे निष्पत्ति होइछि से 206 एकर जमी संप्रुक्त चाषी मान को फेराई दिया से भरी कैबिनेट रे आउ एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि राज्य में अधिक 125 टी ओएस पदवी सृष्टि करा जिवो एही पदवी रे ओएस ग्रुप ए रो एंट्री लेवल रे नियुक्ति दिया जिवो पूर्वरु ओएस एंट्री लेवल रे 1188 टी पदवी रहिथिला प्रस्तावित नुआ 125 टी पदवी मिसी मोट 1313 टी पदवी होइछि। आज राज्य कैबिनेट गोटे बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं चंदे जो थे ओएस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच जोटा कि ओएस रो एंट्री लेवल पोस्ट से 125 टी नूतन पोस्ट क्रिएट करने आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन देखते आगर ओएस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच रे टोटल 1188 टी सैंक्शन पोस्ट थिला बर्तमान 125 टी पोस्ट एड हेला 1313 टी पोस्ट टोटल कैडर स्ट्रेंथ हम ये 125 टी एडिशनल पोस्ट क्रिएट कर 125 टी पोस्ट मध्य प्रति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कलेक्टरेट कलेक्टर अंडर में दुईटी डेपुटी कलेक्टर पोस्ट दि जाइए तेना 30 टी जिले में 60 टी पोस्ट क्रिएट कर डेपुटी कलेक्टर कलेक्टर अंडर में कलेक्टरेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रे 4 टी अंडर सेक्रेटरी पोस्ट प्रत्येक सब कलेक्टर ऑफिस रे आवश्यकता होता अधिका ऑफिसर देवाई सब कलेक्टर अंडर रे गोटे गोटे डेप्युटी कलेक्टर पोस्ट क्रिएट कराई तेणु 58 टी जाक सब डिविजन रे गोटे गोटे डेप्युटी कलेक्टर पोस्ट नूतन भाव क्रिएट कर गोटे प्रपोजाल आज आसाला गंजाम जिलार कालीपल्ली मौजार टाटा स्टील तरफ प्राय 2 दशंधि पूर्व जो जमी अधिग्रहण करा जाइथिला से जमी सब एबे मध्य चाषी मान दखल थिला एवं सेठी कौनसी इंडस्ट्री करा जाई पार नथिला तेणु आज राज्य कैबिनेट
डिसाइड कर 206 एकर 68 डिसमिल जमी को जो चाषी मान अधिकृत करी मान फेर देवाप बृहत्तर जनस्वार्थ दृष्टि से जमी को चाषी मान फेर दिजाव। टाटा प्रकल्प जमीहरा जमी फेराई देवा नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति में खुशी होती क्षतिग्रस्त प्रजा। यह निष्पत्ति को छत्रपुर विधायक सुभाष बेहरा और पूर्वतन विधायक रमेश चंद्र च्याउ पट्टनायक स्वागत कर सहित आलोचना होता प्रशासनिक स्तर में जो आलोचना होता सेत ग्रामवासी मैंने से अव्यवहृत जमिकर सत्व फेरवाई बोल कि प्रशासन निकटने ओडार मानवर मुख्यमंत्री निकटने नवेदन करते से क्रम से जो अनुरोध पत्र पठाई मु जिलापा समेत ओडार मानवर मुख्यमंत्री को ग्रामवासी तरफ से ही अनुरोध पत्र प्रदान करूँ एवं आज ग्रामवासी से जो जमी सत्व अधिकार फेरी पाइबा कथा हृदयंगम करी मान्यवर मुख्यमंत्री कालीपल्ली मौजार 206 एकर ऊर्ध जमी आज से ही चाषी मान पुनर्व फेर प्रकाश रमेशचंद दाबी करते मान्य विधायक सुभाष दाबी करते से धन्यवाद दूसरी मुख्यमंत्री ज्ञापन सब दाबी प्रजाक नवीन पट्टनायक समाधान कर दाबी केत असुमारी दाबी से पूरण करते अन्य कौन से राज्य में कड़ा है मॉडल स्टेट करने चेटा चल निश्चय प्रमाणित हो जाए आब। श्रीमंदिर आकाश छुआ महाप्रसाद दर एक खबर प्रसारण पर चेती श्रीमंदिर प्रशासन खूब शीघ्र लागू हेबो महाप्रसाद दर तालिका। श्रीमंदिर प्रशासन सुआर महासुआर निजोग सहित आलोचना पर स्थिर हेब दर एथिपाई प्रस्तुति आरंभ होता बेले कार्तिक मास परे एने पदक्षेप नि जिलापाल सेपटे महाप्रसादर दर निर्धारण होगा कथा बोली कहते सुआर महासुआर निजोग संपादक। श्रीमंदिर महाप्रसादर दर तालिका होगा उचित केवल कुड़ुआ अनुजाई तालिका धार्य होगा कथा। कार्तिक मासरे श्रीमंदिर महाप्रसादर दर अहेतुक वृद्धि परे एहाकु नै मुह खोली सुआर महासुआर निजोग संपादक महाप्रसादर दर निर्धारण होगा कथा बोली से स्वीकार कर दलालों ठारु महाप्रसाद न किणी से सतर्क करैछन्ति केवल आनंद बजारु महाप्रसाद किणिबाकु से निवेदन करैछन्ति। श्रीमंदिर संस्कार मामलें महाप्रसादर मान निर्धारण और रेड चार्ट प्रस्तुति मुख्य प्रसंग रही किंतु 4 वर्षरु अधिक समय पर भी भक्त मैंने सुलभ दर में अबढ़ा पाइबार वंचित होती से कहते सेपटे श्रीमंदिर खुब शीघ्र महाप्रसाद दर तालिका लागू हेब एने श्रीमंदिर प्रशासन सुआर महासुआर निजोग सहित आलोचना करथिबा बेले कार्तिक मास परे दर तालिका लागू हेब बोली सुआर महासुआर निजोग संपादक सूचना देइछन्ति। लोक मैंने जो मंदिर भितर प्रवेश करछन्ती सुपकार मान जो मैंने बिक्री कर नहीं कि जो मैंने दलाल मैंने बसई महाप्रसाद व्यवस्था करें ठकिक नौकरी आम प्रसव दौनु आम आपड़ एना आसवे आमठ कि महाप्रसाद आम आप मना करूँ आमठ सी किणिकी भक्त मानक सी स्वतंत्र सी व्यवस्था कर अलग दर से बिक्री करेंगे से आम कौन कहीपर अनेपटे महाप्रसाद दर तालिका किभली कार्यकारी हेबो सेने व्यापक बंदोबस्त हेबो बोली जिलापाल कहिछंती। कार्तिक मास शेष पर महाप्रसाद दर निर्धारण करा जिवो एने श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य सुआर महासुआर निजोग कर्मकर्ता और श्रीमंदिर प्रशासकों को नहीं बैठक करी निष्पत्ति निया जिवो। तेबे कार्तिक मास रे महाप्रसाद को नहीं श्रीमंदिर बाहर चढ़ा दर में बिक्री करथुवा अभियोग नहीं सेमानंकु चिन्हट करा जाइछि। सुआर महासुआरंक सह आलोचना परे सेमानंकु श्रीमंदिर आनंद बजार रे प्रवेश निषेध करा जिवो बोली पुरी जिलापाल कहिछंती। कार्तिक मास पूर्व ही आनंद बजार रे सब स्टेक होल्डर मान संगे गोटे मीटिंग हेतला जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग निजोग सुआर महासुआर निजोग समस्ते थे और पुलिस और प्रशासन लोक मैंने भी थे से डिसाइड है कि आनंद बजार भितर जो अन्य माने पसी जाऊँगी अनऑथराइज से चेकिंग करा जिवो से आई कार्ड दिया जिवो और आनंद बजार भितर केवल ऑथराइज लोकों को एंट्री दिया जिवो। श्रीमंदिर महाप्रसाद दर चढ़ा रही भक्तों महल में असंतोष देखा दी तुरंत यार दर निर्धारण कर रेड चार्ट लगाई सुप्रीम कोर्टों निर्देश को कार्यकारी करने को बुद्धिजीवी और सेवायत महल में दावी होती। पुरी कैमेरामैन अमरेन्द्र मिश्रों सह अक्षय कुमार मिश्र न्यूज 18 ओडिया।
कटक महानदी विहार अंचल स्पष्ट दिवालोक एक बड़धरण डकायती होती घरे पशि गृहकर्ता आक्रमण करने सहित गोड़ हाथ बांधि कलाकना बुलाई दुर्वृत्त दुर्वृत्त माने नगद 18 लाख टंका सहित सुना रूपा अलंकार लुटि नहीं घटनास्थल में चाउलियागंज पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची छानबीन जारी रखी सेपटे घटना को नहीं अंचलवासी भयभीत हो पड़ता बेले सुरक्षा व्यवस्था को नहीं उठाई प्रश्न समय सकाळ प्राय 6 स्थान कटक महानदी विहार सबुदिन भली घर मालिक दीप्ति पटनायक सोई थांती अन्य एक प्रकोष्ठ रे तांको शिशु को ट्यूशन पढ़ाउथांती जणे शिक्षयित्री हठात घर कॉलिंग बेल बाजिथिला दीप्ति पत्नी कबाट खोलु खोलु हठात घर भितर को धसाई पशिथिले 5 डकायत सेमानक मध्यरु 2 जण बंदूक धरथिबा बेले अन्य 3 जण मारणास्त्र धरिथिले केही किछि बुझिबा अगरु दुर्वृत्त माने दीप्ति ओ तांको पत्नी को माड मारिबा सह उभयंकु बांधि देथिले परे घरे थिबा 18 लाख टंका सह 10 भरी सुना अलंकार लुटि नेथिले ए सबु देखि पिलांकु पाठ पढाउथिबा शिक्षयित्री जणक जीवन बिकळरे दौड़ी पळाइथिले सेपटे लुट परे डकात माने घरे लागिथिबा सीसीटीवी हार्ड डिस्क को नै पळाइथिले मुझ शोली हठात से कबाट ठक ठक कले मिसेज खोलला मिसेज खोलला से हठात हथियार सब धरते भितर पशि आसे बांधिदेले मिसेज को मिसेज बांधिदेले मुझे कौन साउंड है उठी गला मुंड को कौन गोटे बाड़ेदे मुझे देख मुह धोनी ना सका उठिले सांगे सांगे ब्लीडिंग है मुह जाक ब्लीडिंग होगा मुझे देखी पारे मत बांधि हाथ गोड़ बांधि मुह बांधि तार समस्त बांधि गोटे रूम लक कर देले 8,50,000 कैश मुझ क्या विड्र कर बैंक रु जमी गोटे पैसा देवाई अर्नामेंट्स जहाँ थी सब नहींगल खबर पाई घटनास्थल चाउलियागंज पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची स्थिति अनुधान कर घर लोकों कहवा कथा लुटेरे माने मुह को खोला करी आसते समस्ते उभय ओडिया एवं हिंदी भाषा रे कथा हेउथिले तबे सेमाने स्थानीय अंचल बाबत रे भल भाव अवगत थिबा कहिछि पुलिस घटना को नहीं चिंता प्रकाश करछंती स्थानीय बासिंदा सकाळ समय रे भली डकायत को नहीं लोकों मध्य भयर वातावरण खेली जाइछि गत 2 दिन धरी अंचल रे लुट हेथुवारु पेट्रोलिंग को अधिक कडाकडी करबा पई स्थानीय बासिंदा दाबी करछंती पाखापाखि 5 जन लोक घर भितर पशि तांकर तांकु असल्ट करी कैश एंड गोल्ड अर्नामेंट नहीं चंती सी अनुसार आम इन्वेस्टिगेट करूचु आउ इन्वेस्टिगेशन टा प्रोसीड कला परे आउरी माने रेस्ट जिनस गुडाक रिवील हबो सब आस्पेक्ट गुडा वेरीफाई करू आउ सी अनुसार आम केस प्रोसीड करू समस्ते एठी थर हर सबु माने वयस्क लोक माने भी आउ लेडीज माने भी मॉर्निंग वॉक रे जो माने जाउचंदी से माने माने आउ से माने भाबुचंदी आमे आउ जिबाटा आमुको माने विपदपूर्ण आमर कोनोसी प्रकार सपोर्ट नाही एठी आमे 22 वर्ष होला एठी रहलुनी कोनोसी दिन एभला घटना घटिनी हां स्नैचिंग फ्रैंचिंग हुए आ से बिषय पे आमे पुलिस को कहू किंतु पुलिस एथि पे केते दूर सजाग जे आमे जानि परु एही घटना भिआई पुलिस को पुणी खोला चैलेंज देछंती दुर्वृत्त सेपटे घटना घटिबार 4 घंटा पर पुलिस को खबर दिजा और दुर्वृत्त मानक आक्रमण में आहत हो चिकित्सापी हस्पिटाल जाता दीप्ति डाक्तर को आहत होवार कारण न दर्शाइबा पूरा घटना को भिन्न मोड़ कटकु नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया अनुगुल जिला बरपाड़ ब्लक जरासींगा गाँव 200 अधिक कुंभार परिवार एवं चिंतार दीपावली भड़िकी भड़ी माटी दीपर पसरा मेली बसी आशा थिला कोरोना कटकणा पर बर्ष भल बिक्री हेबो हेले बात्या आशंका एवं सूर्यपराग थिबारु से आशा पूरण हेबो कि नाही संदेह देखा दैछि जरासींगा गाँव एही कुंभार परिवार गुड़िक पीढ़ी पीढ़ी धरी तैयारी करी आसुछंति माटीर कलस हांडी एवं दीप दीपावली आसले घरर महिलांक ठारु वृद्ध जाए समस्ते लागि पड़ंति दीप तैयारी कामरे किए गढ़ु थाए तो किए भाटीरे पड़ु थाए गाँवर गोटे गोटे परिवार 10,000 रु 25,000 जाए दीप बिक्री करंति हेले संभाव्य बात्या एवं सूर्यप्राग एथर सेमानंक जीविकारे बाधक साजिछि ग्राहकंक संदेह जोगु बाहारे बेपारी माने एथर दीप किणिबाकु आसिनांति
କିଛି ପରିବାର ଲୋକେ ସାହି ଏବଂ ହାଟରେ ବୁଲି ଯାହା କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ନୁହେଁ। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଜିନିଷ ବନେଇକିନି ଘରେ ଗଦେଇ ଦେଇଛୁ, ବିକ୍ରି ହେବ ନା ନାହିଁ କିଛି କହି ହେଉନି। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିକିନି ପରିଶ୍ରମ କରିକିନି ଚଳୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଦୀପ କଳସୀ ଧୂପଦାନୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ବନାବୁନି କରୁଛୁ, ଏଇ ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ବନାବୁନି କରିକି ଦୀପାବଳି ଠିକି ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଦୀପାବଳିକି ବିକ୍ରି ବାଟ କରୁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି ବାଟ ହେବ କ'ଣ କିଛି ଏଇଟା କହିବ। ଦୀପାବଳି ଯେତିକି ପାଖଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଦୀପ ବିକ୍ରିର ଆଶା ସେମିତି ମୌଳି ମୌଳି ଯାଉଛି। କାଠର ଘର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କୁମ୍ଭାର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ତାଲିମ ଏବଂ ବଜାର ସୁବିଧାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହିବନି, ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ ମାନେ 10-15 ହଜାର ନା ଦୀପ ରଖାହେଇଛି, କଳସୀ ରଖାହେଇଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଖାହେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ, କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ। ଏମାନଙ୍କର ମାଟି ନାହିଁ, ମାଟି ମାଟିଟା ମେନ୍ ମାଟି, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛୁ, ମାଟିଟା ପାଳୁଆ ମାଟିଟା ଦରକାର, ଏ ମାଟି ମିଳୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କାରିଗର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜରସିଂହା ବ୍ୟତୀତ ଛେଳିଆପଡ଼ା, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥରର ଆଶାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ସ୍କୁଟିରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିଆବାଣ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମ୍ରେ ନ ଜଣାଇ ସେ କିଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଲେ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଭୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଘରେ ହୋମିଓ କ୍ଲିନିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଘରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଟାକେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ସେଟାକେ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇଏ କହୁଛେ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ସେମାନେ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସବୁବେଳେ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିସି ଯେ କେନ୍ତା ସାନିଟେସନ୍, ହେଲ୍ଥ ଏଟା ସବୁ କେନ୍ତା କରି ଭଲ ରହିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲେ ଲାଗି ପଡ଼ିକରି ମୁଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଛେ, ତାପରେ ବି ଇ ଏଲିଗେସନ୍ ଯେନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ ସେଟା ଟୋଟାଲି ମିଥ୍ୟା, ସେଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। କିଛି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି କି ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ସୋପୋଜ୍ ନୋଟିସ୍ଟେ ଦେବି କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଟା କେମିତି ମାନେ ବିନା ଅଥରିଟିରେ ବିନା ପରମିସନରେ ପ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ସେ ଜଣେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେଟା ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସେଟା ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଟୋଟାଲ ଖିଲାପ ଯେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସୋପୋଜ୍ ନୋଟିସ୍ ବି କରୁଛି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରିଟା ବସିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନାର ନଳବଣ୍ଟା ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁଟି ମିନି ଶିବକାଶୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠାକାର କିଛି ଲୋକ ବାଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବାଣ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏଠାରେ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ। ଜବତ ପରେ ପୁଣି ଚାଲେ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ନଈ ପଠା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହୋଇଛି କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି ବାଣ। ଲୁଚେଇ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ବାରୁଦ ଗଦାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାର ନଳବଣ୍ଟା, ଓଡ଼ିଶାର ମିନି ଶିବକାଶୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ନଳବଣ୍ଟା ଗାଁ। ଏଠାରେ ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବାଣ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାଣ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ। କେବଳ ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଠାରେ ଚୋରାରେ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି ବାଣ। ଯଦି 12 ମାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ,
दारू कौटू आसूसी कंचामाल कौटू आसूस जी से बंद हे बोले साई पड़सा भविष्य में भल हे हाँ बारमासी नईकूल चाड़िया करी खुंटी पोती अस्थायी भाव बाण तैयार कर विपद कथा किंतु प्रशासन दृष्टि देले ही यहाँ बंद हे अंटार जी बाण मानने कुटीर शिल्प पर बाण या आम गंजाम जिलार शिवकाशी शिवकाशी सहित सामान निश्चय पूर्वर नजर अच्छी बाण या किसी लोकर प्राण जा हाथ गोड़ भी जाकु निश्चय रोकवाक पड़ो रोकवा हेल्ले लोक मान सचेत करा पड़ो प्रशासन यहाँ गुरुत्व देवा पड़ो लुचा छपारे बाण कारबार जो अनेक समय घटू दुर्घटना अतीतर बाणरे निया लगि अनेक लोकों जीवन हेले तथापि यह कारबार उपरे लागि पारुनि रोक चेतुनाहांती लोके पुलिस लोक देखाणिया भाव चढ़ाऊ कर काम सारिदेउथुवा अभियोग होइछे जो जगह बेआईन भाव में बाण गच्छित रही खबर मिल कि बेआईन भाव में बाण या खबर मिल से चढ़ाऊ करा से जबत कर पुलिस सब वे अलर्ट रही है जिते बड़े खबर आसो से जबत कर चढ़ाऊ बाण तैयारी विपदपूर्ण होते यहाँ छाड़ पार ना पेशादार बाण व्यवसायी एथपाई व्यापक सचेतनतार आवश्यकता रही गंजामु अजित दास न्यूज 18 ओडिया।